जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक के विरोध में पाक के साथ आया चीन, बड़ी खबर। पीओके में चीन के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद आया बयान। G20 के मंच पर भारत द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने का चीन पाक को डर। चीन ने कहा G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का मंच, G20 में प्रासंगिक मुद्दे को राजनीतिक रंग देने से बचे। चीन ने कहा सीधे बिग वॉल पर आइए, चाइना फिर से इनका साथ दे रहा है। कश्मीर में G20, पाक चीन को लगी मिर्ची। यहां पर कश्मीर में G20 आयोजन का विरोध कर रहे पाकिस्तान को चीन का समर्थन। नंबर 1, चीनी मीडिया ने अधिकारियों ने किया पाकिस्तान के रुख का समर्थन। यहां पर पीओके में सीपेक के तहत हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद चीन का बयान है। चीन ने कहा, क्या कहा, सीधे प्ले ऑन करें। विवादित जगहों पर दोनों पक्षों को एक तरफा कदम उठाने से बचना चाहिए। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का मंच, राजनीतिक रंग देने से बचें। चीन पाक को डर, देहात से देखें आप। समिट से J&K पर भारत की संप्रभुता का मैसेज जाएगा, समिट से पाकिस्तान का कश्मीर एजेंडा फेल हो जाएगा। एक और मैं आपको यहां पर दिखाने जा रहा हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं सीधे चलूंगा। मेरे साथ बाहल सर मौजूद है। सर, चाइना बैकस्टैबिंग अगेन। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। और दूसरा ये मौका जो है कि जो हमने एक मास्टर स्ट्रोक चला है, और बिल्कुल सही चला है, कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, हमारे देश का अंग है। हम कहीं पे भी G20 करें, हम कहीं पे भी उसको उसको रखें, इसमें चीन को क्यों किसी भी हालत में ऑब्जेक्शन होना चाहिए? उनका ऑब्जेक्शन जो अगर पाकिस्तान ऑब्जेक्ट करता है फिर भी अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन चीन का ऑब्जेक्ट करना इस बारे में बिल्कुल गलत है। और वो ऐसा स्टेप लिया है उसने जिसमें भारत को भी कई इश्यूज जो हैं उनके, जो खासकर जिनजियांग प्रोविंस के हैं या दूसरे प्रोविंस के हैं और जो उनके मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज है, भारत भी उस इश्यूज को उठा सकता है। और अगर अगर उन्होंने ये उठाया है तो बहुत बड़ा कदम उठाया है, और इसे ये उन्हें नहीं करना चाहिए था। आप जो बता रहे हैं ये उन्हें नहीं करना चाहिए था, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है।